जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरण। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी में छप्पन भोग उत्सव के विशेषताओं के दौरान हमने बताया था कि प्रभु श्रीनाथ जी यह छप्पन भोग जो घर का होता है वह स्वयं अकेले ही रोकते हैं, अतः गोवर्धन पूजा के चौक में नगाड़े बजाए जाते हैं, नियत स्थान पर नहीं बजाए जाते हैं ताकि अन्य किसी को पता न चले। उसी भावना के यह दृश्य आपके लिए प्रस्तुत हैं, सुनिए और आनंद लीजिए। नित्यलीला गोस्वामी तिलकाय श्री राजीव जी जिन्हें नाथद्वारा नगर एवं वैष्णव सृष्टि दाऊ बाबा के नाम से अधिक जानती थी, उनका जन्मोत्सव है। आपका जन्म विक्रम संवत 2005 में पौष कृष्ण प्रतिपदा को मुंबई में हुआ था। आप नित्यलीलास्त गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंदलाल जी महाराज श्री के ज्येष्ठ पुत्र एवं वर्तमान गोस्वामी तिलकाय श्री इंद्र दमन जी अर्थात राकेश जी महाराज श्री के ज्येष्ठ भ्राता थे। आप जीवन भर श्री गोवर्धन प्रभु एवं श्री नवनीत प्रिया जी के सुखार्थ गुप्त मनोरथ करने के आग्रही थे। आपने विक्रम संवत 2023 में नाथा द्वारा प्रधार कर आज का श्रृंगार प्रारंभ किया था। प्रभु श्री जी को लाड़ लड़ाने की आपकी मानसिकता के कारण नाथा द्वारा वासी एवं वैष्णव आज भी उनको बहुत याद करते हैं। आपने श्री जी के विग्रह स्वरूप श्री मदन मोहन जी श्री नवनीत प्रिया जी द्वितीय पीठाधीश्वर श्री विठल नाथ जी एवं प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी को नाथा द्वारा के समीप प्रभु के कछुआई बाग में पधरा कर भव्य फाग का अद्भुत मनोरथ किया था, जिसे नगरवासी एवं वैष्णव आज भी याद करते हैं। आप अत्यंत लोकप्रिय थे। दिव्य शंखनाद परिवार पर आपकी निजी कृपा सदैव बनी रही। श्री जी के मनोरथों में आपकी भाव कल्पना तथा प्रभु के सुखार्थ अनेक रसमय सामग्रियों का सिद्धिकरण आज भी अमिट है। आप सभी को श्री दाऊ बाबा के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि अमुना प्रतिपदा गुरुवार 31 दिसंबर 2020 है। श्री जी में आज श्री दाऊ जी महाराज का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीजों को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है।
आज दिन भर सभी समय श्री गुसाई जी की बधाई के कीर्तन गाए जाते हैं। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज प्रभु को मंगला में गद्दल व रजई बड़े बूटा के खीन खाप वाले धराए जाते हैं, तो राजभोग में कांच के टुकड़ा का बंगला आता है एवं भोग आरती में भी विशेष बंगला आता है। भोग सेवा में प्रभु को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला, दूध घर में सिद्ध केसर युक्त बासुंदी की हांडी व शाक घर में सिद्ध चार विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता और सखड़ी में छह भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात, बड़ी भात और नारंगी भात प्रभु को अरोगाए जाते हैं। श्री जी को साज सेवा में आज केसरी रंग की साटन की सुनहरी जरी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। इस पिछवाई में एक ओर आरती करते हुए श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री एवं दूसरी ओर हाथ जोड़कर प्रभु के दर्शन करते श्री दाऊ बावा का कलाबत्तू का चित्रांकन किया हुआ दृश्यमान है। वहीं गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा के तहत बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं तो सम्मुख में धरती पर त्रिष्टि एवं अंगीठी धरी जाती हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की साटन का रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, चाकदार वागा, चोली व लाल मलमल का पटका धराए जाते हैं। टकमा हीरा के प्रभु को आज मोजा जी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं जिसके चारों ओर पुष्प लताओं का चित्रांकन किया हुआ है। इस प्रकार के ये ठाड़े वस्त्र वर्ष भर में केवल आज के दिन ही धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है जिसके तहत सभी आभरण जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी शामिल हैं हीरा के धराए जाते हैं। विशेष रूप से आज तीन हार पाटन वाले धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर भी आज विशेष श्रृंगार रहते हैं। छिलमा हीरा का किरीट एवं बाई ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। वहीं हीरा की चोटी जी भी धराई जाती है। श्री जी की पीठिका के ऊपर आज स्वर्ण का चोखटा धराया जाता है। कली कस्तूरी व नील कमल की माला जी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की दो सुंदर माला जी विविध फूल पत्तियों की थाग वाली धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हीरा के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि उत्सववत धराए जाते हैं। खेल के साज में पट व गोटी आज उत्सववत आती हैं। आरसी प्रभु को श्रृंगार में लाल मखमल की और राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में पौष कृष्ण नौमी जब आई, राजभोग में पौष निर्दोष सुख को, आरती में जन्म लियो शुभ लग्न विचार, शयन में सुभग सहेली सब मिल आदि कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जैसे कि चारों दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार के सभी भोगों में विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। आज से पौष मास की सेवा प्रभु श्री जी में प्रारंभ होती है। श्री जी के सेवा क्रम में इस महीने कुछ विशेष बदलाव होते हैं। इसके संबंध में समस्त जानकारी आप हमारी अगली प्रस्तुति जो आज हम करेंगे सायंकाल में उसे देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। गोकुल गणी
नक्षत्र बल सो कुसुम सुदेश मानो मेघ पिया पहले पहुंची जाय अति आनंद भरी लई भीतर भवन पाए परी एक वदन उगार दिहारत देत असीस खरी चिर जीवो यशोदा नंद पूरण काम करी धन सब परिवार मन की शोल ब्रज
सब नंद भवन गए एक नाचत करत कुलाघल छिरकत घर दे दही मानो बरखत भादो मास नदी घृत दूध बही जाको जही जही चित जाय कोतक तही तही रस आनंद मगन गुवार काबू बदत आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंकरान। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाथ के लिए कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों एवं हवेलियों के मुखिया जी का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।